बाबा का सबसे बड़ा प्रवचन ये है कि बाबा ने कहा एक किडनी मेरी भगवान कृष्ण की है और दूसरी राधा की है, इससे बहुत प्रभावित है। अगर ये अवसर आपको मिले तो क्या आप कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ बाबा किडनी देने के लिए, हम सहज तैयार हैं सभी। राधे राधे, आज अक्षय तृतीया है और आज हम परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। सबसे पहले एक बार तैयारियों को देखते हैं कि उनके स्वागत के लिए किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और फिर हम सीधे चलेंगे परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए। जी आप कहाँ से आए हैं? हम नदवई से आए हैं, राजस्थान भरतपुर नदवई से। जी तो आप पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए आए हैं? पहली बार दर्शन के लिए आए हैं, महाराज जी दर्शन के लिए पहली बार आए हैं। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा कि गुरुजी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई? गुरुजी के बारे में हमें जानकारी फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। उनके प्रवचन सुनते हैं आप? हाँ उनके प्रवचन सुनते हैं। कितने समय से आप प्रवचन सुन रहे हैं? ज़्यादा दिन से तो नहीं, लेकिन अभी सुनने लगे हैं प्रवचन बाबा के। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए कि गुरुजी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, इस विषय में आपको जानकारी है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये एक ऐसा, उनकी लाखों भक्त हैं और सभी अपनी अपनी किडनियां देना चाहते हैं कि आप ले लीजिए, और इसके लिए उनकी भक्ति है, समर्पण है। तो अगर यही सवाल आपसे कहा जाए, अगर ये अवसर आपको मिले तो क्या आप कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ किडनी देने के, हम सहज तैयार हैं सर जी। अच्छा, ऐसा कोई प्रवचन जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो आपको? बाबा का सबसे बड़ा प्रवचन ये है कि बाबा ने कहा एक किडनी मेरी भगवान कृष्ण की है और दूसरी राधा की है, इससे बहुत प्रभावित है। ये प्रवचन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अच्छा, वृंदावन में आप कितने समय से हैं? वृंदावन में तो हम आज ही आए, आते ही रहते हैं, वैसे पहली बार आए हैं बाबा के दर्शन करने। पहली बार। अच्छा, वृंदावन का सबसे प्यारा मंदिर कौन सा लगता है? प्रेम मंदिर। अच्छा, और बिहारी जी का दर्शन किया आपने? बिहारी जी के दर्शन किए हैं, हम दो साल पहले आए थे, जब भी दर्शन किए, फिलहाल तो नहीं किए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि प्रेमानंद महाराज हैं, आपके कोई गुरु जी हैं? हाँ गुरु हैं। तो वही दर्जा आप श्री जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, वही दर्जा आप इन गुरुदेव को देते हैं? उनको प्रमाण जी को यही दर्जा देते हैं। अच्छा, एक और ये सवाल है मेरा कि इस भारत में बहुत पुण्य आत्माएं हुए, ऋषि मुनि हुए हैं, उनकी लिस्ट में अगर अभी वर्तमान में देखा जाए, जैसे बहुत सारे साधु संत हैं, तो क्या प्रेमानंद महाराज जी अन्य जो साधु संत के कंपैरिजन में उनको कहाँ देखते हैं आप? उनके जैसा कोई दिखता है कि ऐसा कोई युवाओं को मोटिवेट करने वाला, बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला और कड़वा सच बोलने वाला, ऐसा कोई संत अभी वर्तमान में है? नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता, दूर तक नहीं दिखता, दूर तक नहीं दिखता प्रमाण के बारे में। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि प्रत्येक संत को जिस प्रकार से हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी युवाओं को मोटिवेट करते हैं और हर व्यक्ति को अपने धर्म पर और सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो क्या बाकी के संत या जो संत महात्मा लोग हैं, क्या इसमें असफल रहे अभी तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रमाण जी सबसे श्रेष्ठ हैं और संत असफल रहे, इनके बराबर फिलहाल हमें तो कोई लगता नहीं। अच्छा, राधा रानी के बारे में आप क्या कहेंगे? राधा रानी सबसे, उनके बारे में हम क्या कहें, सब जानते हैं राधा रानी के बारे में। तो हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव है राधा रानी के परम भक्त हैं, तो क्या आप राधा रानी के बड़े सेवक हैं? हाँ बड़े सेवक। अच्छा, एक और मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के बहुत ज्यादा परम भक्त कह सकते हैं उनको, क्योंकि राधा रानी के बिना तो उनका अस्तित्व था ही नहीं, है ना? वही अगर वर्तमान में देखा जाए, जिस हिसाब से हमारे परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि आप राधा नाम को जप लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा, तो जो युवा है इस वर्तमान समय में, युवा जिस तरीके से अभी गुरुदेव को फॉलो कर रहे हैं और वो आध्यात्मिक जो एक रुझान है उसकी ओर मुड़ रहे हैं,
तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या गुरुदेव को फॉलो करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, क्या आध्यात्मिक रुख अपनाना चाहिए? क्योंकि इस समय वर्तमान में देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में लोग नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस विषय में आपके विचार जानना चाहूंगा। ना बिल्कुल, गुरु जी की बात सुननी चाहिए, गुरु जी की तरफ पढ़ना चाहिए। तो आस्तिक के विचार के हैं गुरु जी, उनकी बात सुननी चाहिए सभी के लिए, और युवाओं के लिए तो विशेषकर सुननी चाहिए। अच्छा, कोई नास्तिक अगर हमारे गुरुदेव के सामने बिठा दिया जाए तो क्या लगता है कि नास्तिक उनके विचारों को तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। मतलब हमारे गुरुदेव के जो विचार है वो सबसे परम है, है सबसे ऊपर है जी। आशा करते हैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो, बार बार आप वृंदावन में आए, यही हमारी कामना रहेगी। राधे राधे। अब हम आ चुके हैं श्री कृष्ण शरणम, यहाँ से हम सीधा दर्शन करेंगे गुरुदेव के। सामने उनके शिष्य दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि गुरुदेव आने वाले हैं। ये सामने गुरुदेव हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ में उनके बहुत सारे शिष्य हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और उन्हें देख करके चारों ओर जो उनके भक्त हैं, जो शिष्य हैं, उनमें हर्षोल्लास जाग उठा है और जयकारे अब गूंज उठे हैं। आप साफ सुन सकते हैं, यहाँ पर जो भीड़ है वो लाखों की संख्या में भीड़ है, कई किलोमीटर तक यह भीड़ इसी तरीके से बनी रहती है। देखिए, आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, इस पर्व पर आप गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स सबको इस वीडियो को शेयर करके गुरुदेव के दर्शन कराएं। और जो गुरुदेव के तेज से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा है वो सभी में वितरण करें। आप गुरुदेव के चेहरे पर बिल्कुल साफ रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके का ओज है, किस तरीके का तेज है, और ये जो तेज है संत महात्माओं के चेहरे पर ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो तेज है आध्यात्मिक तेज है, श्री जी की कृपा का तेज है, ये ऐसे ही नहीं मिलता। इस सकारात्मक ऊर्जा को आप भी ग्रहण करें और अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, उम्मीद है आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। गुरुदेव के दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए गुरुदेव के, और एंड तक बने रहिए और राधा नाम जपते रहिए। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे, कमेंट में भी लिख दीजिए राधे राधे जय श्री राधे। कमेंट करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। हम मोटिवेट होते हैं ब्रज से संबंधित अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए, तो निवेदन है आप कमेंट करें, लाइक करें और राधा नाम जपते रहें। राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे।